नाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। सौरभ जी शर्मा श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम से, आरएस सेठी, अतुल जी सेठी, दिव्यानंदा, विमला जी गर्ग, राजेश्वरी जी, कुसुम अशोक तायल जी, रिंकल कपोपरा जी, आरती परसाला जी, वीना जी गुप्ता, आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम सभी मिलके धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए और एक भजन गायन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी, जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी, जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी, जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी, तुम पास हो ये एतबार, तुम पास हो ये एतबार करते हैं आज भी, तुम पास हो ये एतबार करते हैं आज भी, जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी, जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी, जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी, तुम पास हो ये एतबार करते हैं आज भी, तुम पास हो ये एतबार करते हैं आज भी। मुद्दत हुई है मेरी हर बार तुमसे जुदा हुए, मुद्दत हुई है मेरी हर बार तुमसे जुदा हुए, तुम पास हो ये एतबार, तुम पास हो ये एतबार करते हैं आज भी, जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी, जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, सभी परम धाम की आत्माओं को ऐसे मैसेज आते हैं कि जिसको पढ़कर कोई भी रोए बिना नहीं रह सकता। पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े जो
ब्रह्म आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर जाग के और फिर धनी का प्यार पाते हुए और जिन आत्माओं का मन इस संसार के अंदर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, वो आत्माएं रात तक तड़फ तड़फ के रो रो के सुंदर साथ जी मुझे मैसेज करती हैं और मैं वो अर्जी धाम धनी जी के श्री चरणों में लगाती हूँ, क्योंकि धाम के धनी अक्षरातीत प्रीतम हमारी सब की अर्जी सुन रहे हैं। तहकीक अरज पहुंचत है जो पहुंचाइए पाक दिल, साफ दिल से की गई अर्जी हमारे धाम के धनी सुनते हैं। और धनी जी ने खिलवत में एक चौपाई और कही कि आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखत। धाम धनी ने कहा, लाडले सुंदर साथ जी, आपकी खबर मेरे पास आ भी रही है, आपका संदेशा मेरे पास आ भी रहा है और मेरा संदेशा यहाँ अर्श अजीम परम धाम से तुम्हारे पास जा भी रहा है। क्योंकि सुंदर साथ जी, जब अर्श अजीम से परम धाम से ये तारतम वाणी इस खेल में उतर के आ सकती है, श्री राजजी महाराज का हृदय का गुज सारा इस खेल में उतर के आ सकता है, तो जो हम खेल के अंदर अर्जी करेंगे तो वो धनी के चरणों में क्यों नहीं जा सकती। इसीलिए धनी जी कह रहे हैं, आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखत। पर्दा क्या है लाडले सुंदर साथ जी? पर्दा है हमारा ये शरीर, बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत। सब आत्माएं धाम धनी जी के श्री चरणों में मूल मिलावे के अंदर हम बैठी हैं और वहीं पे बैठ के ये धनी जी की लज्जत, ये धनी जी का आनंद हम ले रही हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम कल सुन रहे थे तारतम वाणी के अंदर के ए सुख सुपने लिए कछु नहीं खबर। कलम चौपाई सुन रहे थे कि अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन योग, तीन लीला चौथे घर की सो चारों को यामे भोग। कि किस प्रकार हमने ब्रज मंडल के अंदर सुख लिया जो नींद का ब्रह्मांड था, किस प्रकार से रास के अंदर सुख लिया है ना, जो आदि नींद थी और आदि जागृति थी सुंदर साहब जी, और अब हम जागनी ब्रह्मांड के अंदर आए हैं। रास मंडल के अंदर सुंदर साहब जी बांसुरी बजी थी, हमारे हरि भैया जी ने बोला है तो चौपाई का अर्थ क्लियर कर दें। ब्रिज की लीला का तो सुख, हम ब्रिज का भोग इस खेल के अंदर कैसे भोगें, जागनी ब्रह्मांड के अंदर भोग कैसे करें, वो कल हमने सुना था कि जो हम अष्ट पहर की लीला का सुख लेते हैं, प्रातःकाल सेवा का, फिर दोपहर को थाल भोग का, फिर शाम को उठापन का, फिर संध्या आरती का, फिर शयन आरती का, लाडले सुंदर साथ जी, तो ये सारी हमारी ब्रिज की लीला का भोग हो जाता है। क्योंकि ब्रिज की लीला के अंदर कितना प्रेम था, आज अगर हम वही प्रेम इस पांचों टाइम की सेवा में देते हैं, उसी समय धनी को याद करके और धनी के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन अर्पित करते हुए सेवा में कुर्बान होते हैं ना सुंदर साथ जी, तो ये ब्रिज की लीला हो गई, ब्रिज की लीला का भोग हो गया। और अब आई बात रास की लीला की, तो सुंदर साथ जी तब बांसुरी बजी थी और बांसुरी बजते ही हम सब आत्माएं, हमने सुना था कि किस प्रकार से तामसी सखियां घर को छोड़ के दौड़ी, किस प्रकार से राजसी सखियां श्रृंगार सज के गई और स्वांसी सखियों ने अपने शरीर छोड़ दिए, तो इस प्रकार सारी सखियां घर से निकली। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज हम कैसे रास का सुख भोग कर रही हैं? रास का सुख हम भोग कर रही हैं क्योंकि शिव जी ने किरंतन के अंदर एक प्रकरण रखा सुंदर साथ जी कि धन साथ में ए दिन आयो, अखंड में याद देने ए जो बेन बजायो, धन साथ में ए दिन आयो। महामती कहती हैं, परम धाम के अंदर हम धन्य धन्य हो जाएंगे जो सुंदर साथ के बीच में जागनी ब्रह्मांड के अंदर, तब तो सुंदर साथ जी वो बांसुरी बज रही थी जो श्री कृष्ण जी ने बजाई, और आज ब्रह्मांड के अंदर कौन सी बांसुरी बज रही है? आज इस संसार के अंदर जागनी ब्रह्मांड के अंदर ये तारतम वाणी रूपी बांसुरी बज रही है लाडले सुंदर साथ जी। अखंड में याद देने एजो बेन बजायो,
कौन सा बेन बजाया, कौन सी बांसुरी बजाई। अब ये बांसुरी जो बज रही है तारतम वाणी रूपी चर्चा, जो हम सब सुंदर साथ सुन रहे हैं, और जागनी ब्रह्मांड की ये बांसुरी है सुंदर साथ जी, क्योंकि उस बांसुरी, वो बांसुरी जब बजी थी सुंदर साथ जी, तब भी हमारे हृदय में इतना प्रेम प्रकट हुआ था, इतना प्रेम प्रकट हुआ था कि हम अपने घर की, परिवार की, बच्चों की, समाज की, संसार की परवाह न करते हुए, और हम घर परिवार छोड़ के और श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन को सुन के और घर से दौड़ पड़ी थी सब सखियां, है ना सुंदर साथ जी। किस किस की आत्मा साक्षी देती है कि हम ही आए ब्रजरास में, हम ही आए इत घरों बैठे देखी यही तमाशा तित। जिसकी आत्मा साक्षी देती है ना, तो समझ लेना कि हमारी आत्मा अखंड श्री परम धाम से आई है, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी धनी जी ने कहा है, सो आत्म साक्ष सबो को देव सिंह पहुंचिया इलम हमारा जित। जिस हृदय के अंदर ये मेरा इलम पहुंच चुका है ना, ये वाणी चर्चा जो हृदय सुन रहा है ना, उनकी आत्मा साक्षी देगी कि हम अखंड परम धाम मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, और उस आत्मा को भ्रम नहीं होगा बिल्कुल ही, क्योंकि जो राजजी महाराज का इश्क है ना, इश्क के पिंड ब्रह्मांड ही उड़ाया, इश्क आवे धनी का चाहिया, धनी की चाहत से ये इश्क मिलता है लाडले सुंदर साथ जी। और जब आत्मा को इश्क मिलता है ना, तो कहां से मिलता है, इस इलम के अंदर से मिलता है। ये वाणी चर्चा सुनने के बाद हमारे पास इश्क आता है। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी फरमा रहे हैं कि उस समय में उस बांसुरी में से इतना प्रेम निकला, इतना प्रेम निकला कि उस प्रेम के बलबुते पे हमें, हमने इस संसार को गोपदवत समझ के और एक क्षण के अंदर छोड़ दिया, है ना सुंदर साथ जी, छोड़ा था ना। तो प्राणनाथ जी आज हमें कह रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी एने पगले अपन चालिए, ए पगला अपन परमान सुंदर साथ जी, जो पगले आपने भरे थे, जो कदम आपने रास में भरे थे, किस प्रकार से आप रास के अंदर पहुंचे थे, तो आज भी इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर अखंड में याद देने ए जो बेन बजायो, आज परम धाम को याद दिलाने के लिए श्री प्राणनाथ जी ये तारतम वाणी रूपी बांसुरी बजा रही हैं सुंदर साथ जी। और आज भी ये बांसुरी का समय होता जाता है, जैसे तीन बजते हैं तो हमारी परम धाम की आत्माएं, श्री इंद्रावती जी का ये लॉकडाउन ग्रुप जो है, वो अपने सारे काम घर के छोड़ के और इस संसार को ही पीठ दे के और दौड़ के इस वाणी चर्चा का रस लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये कौन सी बांसुरी बज रही है, ये बांसुरी वाणी रूपी बांसुरी बज रही है, और ये वाणी रूपी चर्चा रूपी बांसुरी हमारे अंदर क्या प्रकट कर रही है, हमारे अंदर धनी जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रही है। हम आत्माओं के अंदर इतना प्रेम प्रकट हो रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि सुंदर साथ मैसेज करती हैं कि शारदा दीदी अब घर में दिल नहीं लगता, अब काम करने को मन नहीं करता, अब तो दिल करता है सारा दिन हम वाणी पढ़ते रहे और धनी जी के चरणों में बैठे रहे, और पिया जी की इतनी याद आती है कि इतने आंसू बहते हैं। एक सुंदर साथ ने तो मैसेज किया कि दीदी आप चर्चा करके उस करने के बाद आधा घंटा बीत जाता है पर हमारे आंसू नहीं रुकते आधे घंटे तक, आप धन्य हैं सुंदर साथ जी। वो कहते आप तो बंद कर देते हो चर्चा, लेकिन चर्चा के बाद हम आधा घंटा और रोते रहते हैं इसी चर्चा को सुन सुन के। तो लाडले सुंदर साथ जी इश्क आवे धनी का चाहा, इश्क के पिंड ब्रह्मांड ही उड़ाया, ये इश्क भी धाम धनी की चाहत से मिलता है। जब धाम धनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं किसी आत्मा के अंदर के ऊपर, तब उस आत्मा को ये इश्क देते हैं, क्योंकि हमारे पास इश्क नहीं है सुंदर साथ जी। और कहते हैं इश्क बिना अब मिला न जाए, इश्क कहां से लाए, माया ने घेर लिया है, माया ने घेर लिया है,
इश्क बिना अब मिला ना जाए, इश्क कहाँ से लाएं। तो इश्क कहाँ से मिलेगा, इश्क इस तारतम वाणी की चर्चा से मिलेगा। क्योंकि ये वाणी चर्चा क्या करती है, ये वाणी चर्चा हमें हमारे मूल स्वरूप परम धाम के अंदर हमारे जो पर आत्म वाले तन बैठे हैं ना सुंदर साथ जी, उनकी पहचान कराती है ये तारतम वाणी चर्चा। ये तारतम वाणी चर्चा हमें धनी के करीब लेके जाती है, ये तारतम वाणी चर्चा धनी की नजदीकियों का सुख देती है। तो कहते तब रास का भोग कैसे कर रहे हैं हम जागनी ब्रह्मांड के अंदर, के तीन लीला चौथे घर की सो चारों को यामे भोग। तो तीन दूसरी लीला का भोग कैसे कर रही हैं, जहां कहीं भी मेले हुए चतुर्शताब्दी महोत्सव के, चाहे वो श्री पांच नौतनपुरी धाम में हुआ हो, चाहे श्री पांच महामंगलपुरी धाम में हुआ हो, चाहे श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में हुआ हो, जहां जहां भी ये चतुर्शताब्दी महोत्सव मनाए गए और मेले लगाए गए, परायण रखे गए, हमने जैसे ही डेट को पढ़ा कि इस समय यहाँ ये सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, या जहां कहीं भी हमारे शहर में मंदिर में पाठ होता है या किसी के घर में होता है सुंदर साथ जी, और जब हम बड़े हर्ष उल्लास जोश के साथ प्रातःकाल उठ के खुशी मनाने लगते हैं कि आज 9 बजे तो यहाँ पारायण रखा जाना है और हमें जाना है। और शिव जी ने कहा जब इमाम आए सुने तो मोमिन रह ना सकत, दौड़ के कदम पकड़े जाकी नूर जमान सो निस्बत। जब इमाम आए सुने, जब इमाम श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम के दुल्हा कहीं भी विराजमान हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा परम धाम की आत्माएं रह नहीं सकेंगी, दौड़ के कदम पकड़े जाकी नूर जमान सो निस्बत। जब श्री प्राणनाथ जी आए थे तब भी जो ब्रह्म आत्माएं थी जिनकी निस्बत थी वो दौड़ के धनी के चरणों में आ गए, और आते आते 5,000 सुंदर साथ हो गए लाडले सुंदर साथ जी। पर 5,000 तो वो थे सुंदर साथ जी जो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम तक श्री जी के साथ चले, पर श्री प्राणनाथ जी ने तो लाखों सुंदर साथ की जागनी की थी। 5,000 तो साथ चलने वालों की गिनती थी, और 500 थे जो अमीरल श्रेष्ठ मोमिन। तो महामती फरमा रहे हैं कि ये रास की बांसुरी एक वो बजी थी, और जब श्री प्राणनाथ जी ने जगह जगह जाके वाणी चर्चा की और जहां जहां गए चर्चा करने के लिए, और सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी का दर्शन किया, और दर्शन करते ही सुंदर साथ उनके चरणों में समर्पित हो गए लाडले सुंदर साथ जी। तो कहते हैं ये रास की बांसुरी एक वो बांसुरी थी, और एक ये तारतम वाणी रूपी बांसुरी, ये वाणी चर्चा रूपी बांसुरी जिसके भी कान में पड़ गई, श्री जी कहते हैं वो आत्मा एक ना एक दिन अवश्य जागेगी लाडले सुंदर साथ जी, उसकी जागनी अवश्य होगी। क्योंकि सुंदर साथ जी बुरा नहीं मानना, हम कितने भी ऐसे भजन गाते रहें ठीक है, भजन में आनंद है, पर तारतम वाणी की चर्चा के बिना आत्मा बल लेके खड़ी नहीं होती। क्योंकि इस इलम के अंदर इतना बल है सुंदर साथ जी, इतनी शक्ति है इसके अंदर, क्योंकि जब तक हम वाणी चर्चा नहीं सुनेंगे तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी लाडले सुंदर साथ जी। तो रास का सुख हम आज भी ले रहे हैं, आज भी ये अखंड में याद देने एजो बेन बजायो, ये बांसुरी जो 3 बजे बज रही है, या जितने भी हमारे धर्माचार्य और सतगुरु महाराज जी वाणी चर्चा प्रवचन कर रहे हैं, वो आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर एक बांसुरी ही बज रही है, हमारी विदुषी बहने भी कर रही है, है ना। तो ये सारी वाणी चर्चा क्या है, ये भी एक बांसुरी है। तो दूसरे लीला का सुख का भोग हम कैसे कर रहे हैं, तब हम घर परिवार छोड़ के भागे थे, लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में फरमाया श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जाको है प्रतीत, सो घर तज बन क्यों जावी, सो तो घर में ही प्रतीत। श्री प्राणनाथ के चरणों में जाको है प्रतीत, श्री जी ने फरमाया कि श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जिन आत्माओं को विश्वास हो गया कि यही हमारे धाम के दुल्हा हैं, यही हमारे प्रीतम हैं, यही हमारे धनी हैं, तो घर तज बन क्यों जावी,
उनको घर को छोड़ के आज वनों में जाने की जरूरत नहीं है, आज जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाडले सुंदर साहब जी धाम धनी ने परम धाम का सारा खजाना श्री कुलजम स्वरूप वाणी के अंदर हम सुंदर साथ को घरों में ही हमारे हाथों में दे दिया है। तो आज हमें घर छोड़ के जंगलों में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे धाम के धनी हमारे प्राणनाथ अक्षरातीत हमारे घर पे बैठे हैं, विराजमान है साक्षात। जब चाहो तब उनसे बातें करो, जब चाहो तब उनका इस तारतम वाणी का इश्क का जाम पियो, क्योंकि ये इश्क के जाम है लाडले सुंदर साहब जी, ये हक दिल की सुराई है जो आज तक ने छलकी थी आज धनी ने छलका दी। तो लाडले सुंदर साहब जी, तो रास का सुख हम कैसे ले सकते हैं, आज घर के अंदर बैठे बैठे ही चितवनी के द्वारा जो रस मिलता है वो भी महारास का सुख है, ठीक है। और जो वाणी पढ़ते हुए जब हमारी आंखों से आंसू जलधार बहते हैं सुंदर साहब जी, वो भी रास का सुख है। और जब हमें धनी की याद आती है और हमारी कहनी करनी रहनी एक नहीं हो पाती, और अब जब धनी के चरणों में हम रोते हैं बिलखते हैं अपने कौल को देख के, अपने फैल को देख के, अपने हाल को देख के, जो आत्माएं रोती हैं धनी के चरणों में तड़फती हैं बैठ के, है ना, क्योंकि कहनी कई मुखते बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूप पहुंचावी कहनी लग रही जाम, कहनी कहने से कुछ नहीं होगा। लाडले सुंदर साहब जी, हम कहनी में कहते रहे कि हम तो परम धाम की आत्माएं हैं और हम परम धाम ही जाएंगी, पर प्राणनाथ जी ने कहा करनी को देखे नहीं, हम चलत भांत किन दुनिया को छोड़े नहीं, जो करी मुर्दार मोमिन। हम अपनी करनी को नहीं देखें कि मैं सुबह से लेकर रात तक करती क्या हूं, क्या मैंने महीन सूत काता अपने प्रीतम का, क्या मैं धनी की आंखों में आंखें डाल के नजरों में नजरें मिला के अपने प्रीतम को देख सकती हूँ, क्योंकि जो मैं कॉल करके आई थी, जो मैं वादा करके आई थी धनी के साथ कि हम आपको एक पल के लिए नहीं भूलेंगे, तो क्या खेल के अंदर आके हम धनी को एक पल के लिए नहीं भूलें। तो लाडले सुंदर साहब जी, ये भी रस है जब वो विरह में तड़फती है आत्म, उस रस के अंदर जब तड़फती है कि कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी से तो माया के ही बस में पड़ी, रहनी से तो माया के ही बस में पड़ी, कहनी रहनी वाला अंतर देख रहे भरतार, कहनी रहनी वाला अंतर देख रहे भरतार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो
कभी ना विचार रहनी पर तो आया कभी ना विचार। लाडले सुंदर साथ जी, जब हम अपनी कहनी करनी और रहनी के लिए भी धनी के चरणों में बैठ के रोते हैं ना सुंदर साथ जी, तो वो भी एक रस है। वो भी कौन सा रस है? वो भी महारस है, क्योंकि बिना विरह ना होवे रूपाक, विरह के बिना कभी भी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। हमारी आत्मा को अगर कोई चीज पवित्र कर सकती है तो लाडले सुंदर साथ जी वो है धनी का विरह। क्योंकि हमने हम भी तक में आगे सुनेंगे कि श्री इंद्रावती जी ने धनी जी को कैसे पाया। श्री इंद्रावती जी के लिए चौपाई प्रकट हुई कि आठों पहर विरहनी श्वास लिया हुक हुक, पत्थर काले ढिगोते सोबी हुए टूक टूक। हमसे के अंदर श्री इंद्रावती जी ने अष्ट पहर 64 घड़ी हर समय उसको लगा कि ये आखिरी श्वास है, बस इसके बाद नहीं आएगा श्वास अगला। हर श्वास लगा कि अब नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो अपना दे रही तो मेरा क्या जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज कारण पी, सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए, जब आंसू की आंग की और श्वास भी छोड़ियो संग, तब तो मैं परदा टाल के दियो मोई अपनो अंग। जब शिरजी साहिब जी कहते जब आंसू की अंग की और श्वास भी छोड़ियो संग, जब मेरे सांस निकल चुके थे सांसों ने भी साथ छोड़ दिया, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोए अपनो अंग। श्री महाराज जी श्री जी साहिब जी हवसा के अंदर उनके सांस छूट चुके थे, निकल चुके थे, पर धनी ने कछु कारज कारण पियू, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज कारण पियू। धनी ने बल दे के उनको खड़ा किया, क्योंकि ये जागनी ब्रह्मांड का सारा दायित्व श्री इंद्रावती जी के ऊपर रखा था। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये विरहा रस जो है ये भी महारास है। हम सोच रहे हैं ना जागनी ब्रह्मांड के अंदर दूसरे लीला का भोग कैसे भोगे, तो खाली डांडिया से खेलना रास नहीं होती, खाली नाचना कूदना रास नहीं होती। सुंदर साथ जी, रास का मतलब होता है रसोमयी भई सह रास, जो रस से परिपूर्ण हो जाए। जब हमारी आत्मा के अंदर रस का भंडार प्रकट हो, इश्क प्रकट हो, विरह प्रकट हो, दर्द प्रकट हो, और उस इश्क दर्द विरह के अंदर आत्मा जब तड़फने लगे, जब वो डोज, जब वो रस आत्मा के अंदर छलकने लगे सुंदर साची, वो भी महारस है। धनी ने कहा जागनी ब्रह्मांड के अंदर तीन लीला चौथे घर की, सो चारों को यामे भोग। तीन लीला और चौथे घर की, आज तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर हम हैं, हम जाग चुके हैं। हमें धनी ने सारी पहचान करा दी है कि हम पहले ब्रिज में आए थे, हमने कितना प्यार किया 11 वर्ष के अंदर, और फिर रास के अंदर हमारे अंदर कितना प्रेम था, और आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर उस प्रेम का, ब्रिज का प्रेम का भोग हमने यहाँ भोगना है। और रास का जो सुख लिया, वो जो हमारे अंदर ब्रिज और रास की लीला का प्यार है ना सुंदर साथ जी, उसी प्यार को आज हमने जागनी ब्रह्मांड के अंदर वो सुख लेना है कि अगर मैं ही ब्रिज में आई थी तो मेरे अंदर कितना प्रेम था, इतने घर के काम करते हुए भी मैं श्री कृष्ण जी के बिना एक पल नहीं रह सकती थी, और रास के अंदर जाते हुए मैंने किसी की परवाह नहीं करी, तो आज इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर जब मेरे प्रीतम ने मुझे अच्छे से जगा दिया
कि तू परम धाम की आत्म है और मूल मिलावे के अंदर सुंदर तेरा स्वरूप विराजमान है और तू वहां बैठ के ये सोपन रूपी खेल देख रही है। तो फिर सुंदर सात जी जब जगाई दिया धनी ने, है ना, नींद भी उड़ा दी और हमें पता लग गया हम अरश परश हैं हक के। देखो मोमिनो ख्वाब, हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। हम अरश परश हैं हक के, हम श्री राजी महाराज के आमने सामने बैठे हैं मूल मिलावे के। देखो मोमिनो हिसाब, ए मोमिनो हिसाब करके बैठ, देखो हम आए गए नहीं है कहीं पे, हक हम में आज इस तन के अंदर अरश दिल करके श्री राजी बैठे हैं। हक हम में, हम हक में और हम कहाँ बैठे हैं, हम मूल मिलावे के अंदर धनी जी के दिल में हैं। और हक बिना सब ख्वाब, हक के बिना तो ये ब्रह्मांड एक सपना है। तो वही बात बता रही हैं कि यो सुख सुपने लिए कछु नहीं खबर। कहते सपने के अंदर तब हमने ब्रज और रास का सुख लिया था, तब हमें खबर नहीं थी इन दो लीला मिने सुध नहीं घर। ब्रज रास की लीला में परम धाम की शुद्धि नहीं थी, परम धाम की खबर नहीं थी। या विद लीला दौ करी सिधारे वतन, ये दोनों लीला करके फिर हम परम धाम के अंदर पहुंचे। ए ब्रह्मांड जो तीसरा ले आए आपन, और आज ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बना है जिसमें हम सब आत्माएं उतर के आई हैं। ये ब्रज और रास की लीला को हमारी अनीता जी धीरज प्रणामी, जयपुर मानसरोवर के अंदर रहने वाले, जिन्होंने इस लीला के लिए इतना सुंदर भजन बना के तैयार किया जो फेसबुक पे डाला सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारी अनीता जी के ऊपर, हमारी सुमन जी के ऊपर धामधनी की अपरंपार कृपा है और वो इतने सुंदर भजन उन अपने हृदय से प्रकट करती हैं। और इस लीला के लिए के सुंदर वाणी चर्चा 3 बजे कैसे चल रही है और इसको अनीता जी ने बड़े सुंदर भाव में प्रस्तुत किया, आप सभी ने उसको लाइक किया। लाडले सुंदर साहब जी, हमारे धामधनी की कृपा, हमारी अनीता धीरज परिणामी मानसरोवर जयपुर के रहने वाले, उन पर हर पल बरस रही है और बरसती रहे और वो इसी तरह से अपने भाव प्रकट करती रहे। आइए सुंदर साहब जी, हमारा समय हो चुका है, अब हम कल के प्रश्नों का पहले उत्तर दे दें। सुंदर साहब जी बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साहब जी, कल के प्रश्नों का पहले का उत्तर था लाल रंग का, दूसरे का था 5 रंग की निवार का, और तीसरे का था नारायण हरनंदन, और चौथे का था जल और गावने की, और 5वें का था बिहारी दास जी। तो लाडले सुंदर साहब जी, ये थे हमारे कल के 5 प्रश्नों के उत्तर। आइए आज का प्रश्न शुरू होता है अब, जो बड़ा ही आसान है। दूसरे पहर का समय कौन सा है? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, श्री बंगला जी के अंदर, श्री जी साहिब जी की 8 पहर की लीला चल रही है, तो दूसरे पहर का समय कौन सा होता है? दूसरा प्रश्न है सुंदर साहब जी, स्वामी जी को पंजाबी भाषा के भजन सुनाकर कौन खुश करती थी? स्वामी जी को पंजाबी भाषा के भजन सुनाकर कौन खुश करती थी? लाडले सुंदर साहब जी, जब इस सुंदर साथ का नाम आए ना, क्योंकि अब मैं उत्तर दे नहीं सकती ना आपको, उत्तर तो आप दोगे, है ना, जो पंजाबी में गायन करती थी ना, वो जब भी आया करे ना बीतक में, तो जितने भी पंजाबी सुंदर साथ है सब नारियल तोड़ा करो, है ना, क्योंकि हमारे पंजाब की थी और पंजाबी भाषा के अंदर श्री जी साहिब जी को भजन गा के रिझाती थी, आपको उनका नाम बताना है। तीसरा प्रश्न है, हमको इस खेल से सिताव काडो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्णे रहया न कोई काज। स्वामी जी से ये अर्जी कौन करते हैं? स्वामी जी से ये अर्जी कौन करते हैं? चौथा प्रश्न है सुंदर साहब जी, परम धाम में रंग महल के सामने कितने घाट बने हैं? कितने आसान है ना प्रश्न, आप शारदा दीदी को थैंक यू भी नहीं बोलते हो, है ना, ऐसे भी नहीं कहते दीदी आप हमारे लिए कितने आसान प्रश्न बना के लाते हो और हम सब विनर बनते जा रहे हैं, है ना। परम धाम में रंग महल के सामने कितने घाट बने हैं? 5वां प्रश्न है सुंदर साहब जी, परम धाम में यमुना नदी कहां से प्रकट हुई है? परम धाम में यमुना नदी
कहां से प्रकट हुई हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये थे आपके पांचों प्रश्न। चलिए सुंदर साथ जी, हमारे कुछ सुंदर साथ व्हाट्सएप पे भी जवाब देते हैं। अब मैं क्या बताऊं, हमारी इंदिरा जी भंडारी हैं, वो व्हाट्सएप पे भी जवाब देती हैं, उनके जवाब रोज सही होते हैं। तो मैं इंदिरा दीदी को कहूंगी कि इंदिरा दीदी आप दिल्ली की विनर हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहती हैं हम राजा राम भाई झंझन भाई का परिवार है इंदिरा दीदी। तो वो डेली व्हाट्सएप पे जवाब दे रही हैं, तो मैंने कहा आप फेसबुक पे जवाब दो, तो कहते ये मैं नहीं चलाती, मैं व्हाट्सएप पे देती हूँ। तो इंदिरा दीदी आप हमेशा के लिए बधाई के पात्र हैं, पर हमारा ये सिस्टम चल रहा है फेसबुक वाले विनर चुनने का। आइए कल के विनर हैं हमारे श्री चिमन लाल जी तनेजा। श्री चिमन लाल जी तनेजा जयपुर निवासी, जो अभी शायद देवली में हैं। हमारी आशा जी जो प्रेम और सेवा की मूर्त हैं, जिनको हम हमारे परिवार वाले सब दया दीदी कहते हैं। और हमारी दया दीदी जो हैं सुंदर साथ जी, वो प्रेम और सेवा की मूर्त हैं। और ये तन से मन से धन से हमारे श्री चिमन लाल जी तनेजा, हमारी आशा दीदी जी धाम धनी के ऊपर समर्पित हैं। इनकी श्रद्धा, इनकी भावना, इनका प्रेम, कभी कभी मैं आशा दीदी को कहती हूँ कि परम धाम के अंदर जब आप जागृत होवोगे तो शायद हमारे भी मुख नीचे झुक जाएंगे, हम भी राज्य के सामने देखने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि जो आपने सेवा की है बेबी जी के मंदिर में भोग बनाना और सब प्रकार की सेवा करना। तो हमारी आशा दीदी जी के ऊपर सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की अपरंपार कृपा बरस रही है, धाम धनी जी की अपरंपार कृपा बरस रही है। हमारे मनीष जी, हमारी सोनल जी, जो पूरा परिवार बैठ के इस वाणी चर्चा को सुन रहे हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, हमारे श्री चिमन लाल जी तनेजा जी को, हमारी आशा दीदी को बहुत बहुत बधाई हो। और धाम धनी की कृपा पल पल बरसती रहे, आप समस्त सुंदर साथ भी बधाई दे देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी हमारा समय हो चुका है, अभी हम इस बेहद वाणी चर्चा को और सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।